So today part 3 of stamp modification, which is our modification of subaerial stamps. So in which we study about runner, stolon, sucker and offset. देखने में सभी एक जैसे लग रहे हैं बट हम अंदर वन इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो जो रनर है मतलब रन करता हुआ जा रहा है. सो इसमें क्या है जो एडवेंटिशियस रूट है यहाँ पे नोड्स के पास में वहां से एक ब्रांच डेवलप होगी एंड आफ्टर सम डिस्टेंस वो फिर से जो है एक शूट डेवलप कर लेगा. तो ये जो इंटर नोड रहेगा एक नोड यहाँ पे था और यहाँ पर फिर से एक नोड बन गया. सो इसके बीच में जो इंटर नोड है वो काफी थिन और लॉन्ग रहेगा. सो इंटर नोड जो है इसमें बहुत थिन और लॉन्ग रहेगा. ठीक है और यहाँ नोड से एक इंटर नोड डेवलप हुआ. इंटर नोड इलोंगेट हो जाता है वहां पे वापस जाके नोड से एक न्यू शूट जो है वो डेवलप कर जाती है. सो इसमें आपको मिलता है धूप ग्रास. जो जनरली आपने ग्रास देखी होगी आप एक बार से उखाड़ के देखो तो दूर तक उखड़ता हुआ चला जाता है. ठीक है एंड ऑक्सेलिस. नेक्स्ट है स्टॉलन. सो स्टॉलन मतलब अगर सिंपल सी बात करें तो स्टॉलन से मतलब अगर स्पेलिंग थोड़ा सा याद करें STOLEN स्टॉलन मतलब चुराना होता है कुछ और चुराने के लिए आप नीचे चढ़ते हो. सो रनर जो है वो भाग रहा था और जब चुरा के कुछ भाग रहे हैं तो आप थोड़ा सा छिपके जाते हो. सो ये क्या करता है कि बस इतना सा फर्क है कि ये जो है इसके जस्ट बीनिंग जो है सॉइल सरफेस वहां से जो है जाने लगेगा. एग्जाम्पल है इसका स्ट्रॉबेरी. ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं सकर की. ठीक है अब सकर में क्या है सक करना. तो आप थोड़ा सा याद करो जब हम जूस सक करते तो किस तरह से थोड़ा सा सक किया देन गैप देन सक करते हो देन गैप. तो सिमिलरली यहाँ पर ये मदर प्लांट है हमारे पास. सो यहाँ पर एडेंटिशियस रूट से ब्रांच डेवलप होती है वो थोड़ा सा टाइम तो अंडरग्राउंड ही चलती है ऑब्लिगेटरी एंड आफ्टर दैट वो फिर एक न्यू शूट डेवलप कर लेती है. सो ये आता है के पास सकर में. तो इसका एग्जांपल है हमारे पास मिंट. आपको मिंट ऊपर से देखने पे ऐसे लगेगा कि अलग अलग पौधे खड़े हैं और वो थोड़ी देर बाद ऐसे थोड़ी दूर बाद बाहर निकले होते हैं लेकिन वो सभी एक मदर प्लांट से ही निकले रहते हैं. सो मिंट है क्राइसैंथेमम. नेक्स्ट है ऑफसेट. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफसेट जो है इसमें क्या रहेगा ये भी रनर की तरह है और आप इसको कंडेंस रनर भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें एक्सेप्शन इतना है कि ये यहाँ पे टफ टॉफ यहाँ पे ऊपर ये लीव्स का और नीचे रूट का बना लेगा. सो इसमें ऑफसेट में आपके पास ऑफसेट यहाँ से जा रहा है. ठीक है उसके बाद ये टफ ऑफ इधर भी बनाता है. ये एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट रह सकता है यहाँ से कट करके एज अ न्यू प्लांट. सो इसमें आपके पास पिस्टियम एंड इकाई मतलब वाटर हाइसिंथ. सो रनर में जो है थिन और लॉन्ग इंटर नोड के साथ वो रन कर रहा है. स्टॉल में वो बीन द सॉइल रन करता है. सकर में ऑब्लिगेटरी है थोड़ा सा टाइम नीचे और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ आता है. ऑफसेट में स्ट्रॉन्ग रहता है ये आपके पास जो बीच में इंटर नोड रहता है आउट ऑफ लीव्स एंड रूट जो है वो उसमें फॉर्म होने लगती है और ये पेरेंट प्लांट से अलग होने के बाद एज एन इंडिविजुअल प्लांट शो कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल है हमारे पास धूप ग्रास ऑक्सेलिस देन स्ट्रॉबेरी क्राइसेंथेमम मिंट पिस्टिया एंड एकाइगोनिया. इसमें आप फॉलो कैसे और एड कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैम्प मॉडिफिकेशन.